नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है। रुझान आ रहे हैं 295 सीटों पर एनडीए और 231 सीटों पर इंडिया गठबंधन। अब यह आंकड़ा थोड़ा बहुत देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सीट जो है फिक्स हो चुकी है और यहां पर एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, बड़ा खेल यहां पर कर सकते हैं। ये सूत्रों से खबर सामने आ रही कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बातचीत करी है कि आप आकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो वहीं जेडीयू के एक नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार से बेहतर हो ही नहीं सकता, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बनने चाहिए। हम अपने सहयोगियों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या सत्ता इस बार नीतीश कुमार पलटने में कामयाब होंगे या फिर नहीं। पहला सवाल अमन सर से लेंगे। अमन सर, क्या स्थिति आप यहाँ पर देखते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार जैसे पहले तो बिहार में सत्ता पलटते नजर आते थे, लेकिन इस बार देश की सत्ता पलटते नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की पद की उनको देखिए पूरा ऑफर मिलता नजर आ रहा है, क्या स्थिति देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल, जेडीयू और जिस तरह से खेल करती हुई नज़र आती है, चाहे बिहार की सत्ता की बात करें या फिर केंद्र की सत्ता की बात करें, दोनों में ही इस बार ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए नज़र आ सकते हैं। नीतीश कुमार के पास में लगभग अगर उनकी पार्टी की बात करें तो 15 लोकसभा सीटें आती हुई नज़र आती हैं और ये 15 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर अगर बात की जाए तो लगभग 240 या 50 के आसपास सिमटती हुई या 242 के आसपास सिमटती हुई नज़र आती है। तो ऐसे में उनको कम से कम 40-42 लोग चाहिए जो उनको मदद करें, उनके सपोर्ट में खड़े हों, ताकि वो सरकार बना पाए। और देखिए एनडीए गुट के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं अगर सब मिलकर चलें तो ये आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अगर सबका हम रुझान देखें तो लगभग 295 या 290 के आसपास नजर आता है और ये आंकड़ा सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर यहाँ से एनडीए के लोग अगर अलग हो जाते हैं, जैसा हम चर्चा भी कर रहे हैं, जेडीयू की बात करें, टीडीपी की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें, अगर ये लोग कोई कह सकते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर कुछ ऐसा लालच मिलता है या ऐसा पद मिलता है, ऑफर ऐसा मिलता है, अगर उस तरफ रुख कर गए तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना इस बार दूर की कौड़ी हो सकता है। क्योंकि बीजेपी अगर आप देखें, पहले से ये बात कहती हुई नजर आई थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन जिस तरह से खुद बीजेपी पूरे भंवर जाल में फंसती हुई नजर आई और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जो रुझान निकल कर सामने आए, उसने ये बताया कि बीजेपी अपने दम पर तो बहुमत भी हासिल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में उसको सहयोगी दलों का साथ ज़रूरी है। अगर यहाँ पर सहयोगी दल आँख दिखाते हैं या इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ जाते हैं तो एक बड़ी बेचैनी बीजेपी के अंदर ज़रूर नज़र आएगी। और साथ में जो आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार, देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि उनको शायद पहले से ही पीएम बनना था। अगर आपको याद हो, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उस समय भी लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर थी कि तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता को संभालेंगे और नीतीश कुमार जो है केंद्र में जाएंगे, और वही खेल कहीं ना कहीं अब होता हुआ दिखाई पड़ता है कि अगर नीतीश कुमार जैसा उनके खुद के भी जो लोग हैं, जो विधायक है, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश से बेहतर पीएम कौन हो सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरा खेल यहां पर जो बिगड़ सकता है बीजेपी का, क्योंकि अगर नीतीश कुमार गए और कुछ दल और भी अगर इधर चले गए तो यहां जो सरकार बनाने का ख्वाब बीजेपी देख रही है उसके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो फिलहाल अभी राजनीति का कह सकते हैं कि बहुत सारा भी हमें चीजें देखने वाली होने वाली हैं, क्योंकि यहां पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो दल हैं, वो इस कोशिश में हैं, खासकर इंडिया गठबंधन की बात करें तो किसी भी तरह से अपनी सरकार बनाई जाए। को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तमाम लोगों से संपर्क में भी है। अब देखना होगा इन सब चीज़ों का कितना असर कह सकते हैं आने वाले समय में, आज या कल में नजर आता है, क्योंकि सब लोग जो खासकर जो कह सकते हैं कि चाहे इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, सब लोग यही चाहते हैं किसी भी तरह से उनके पास जो लोग हैं वो इधर से उधर ना जाएं, क्योंकि अगर एनडीए के लोग अगर इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए तो ये मानकर चलिए कि सरकार यहाँ पर फिर इंडिया गठबंधन की बन सकती है। 400 पार का नारा यहाँ पर बीजेपी दे रही थी, 300 भी नहीं छू पाई है, कितना बड़ा घाटा यहाँ पर माना जा रहा है। बिल्कुल जाहिर बात है, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब बीजेपी को ऐसा लगा होगा कि चलिए 400 पार बोल देते हैं, लेकिन देखिए अब आपको मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। आपने रोजगार की बात की थी, वो रोजगार कहाँ पर है? आपने स्मार्ट सिटी की बात की थी, वो स्मार्ट सिटी कहाँ पर है? आपने गाँव जो है गोद लेने की बात की थी, उन गाँव में कितना विकास हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से आया, जब देखा गया कि जो बहुत सारी ऐसी जो भी लोग हैं जो बाहर से भी उनको फंडिंग कर रहे थे, इसकी जवाबदेही बीजेपी तय नहीं कर पाई है। जितने लोगों ने उनको पैसा दिया उन्होंने उनको कहने कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो कई मुद्दों पर
पर जो बीजेपी घिरी हुई नजर आई, लेकिन पीएम मोदी या जो भी हम देखें कि बीजेपी के नेता थे, उन्होंने अपना पूरा भाषण राहुल गांधी के ऊपर रखा या फिर अखिलेश यादव के ऊपर रखा या फिर तेजस्वी के ऊपर रखा। तो फिलहाल देखा जाए तो मिला जुलाकर अब मुद्दों की बात जरूरी है। देश 75 साल से आगे चला गया आज़ाद होने के बाद, अब हम किस तरह देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात देखिए, जो राम मंदिर का जिक्र लगातार पीएम मोदी कर रहे थे, ताला लग जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा और तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उसी अयोध्या में उनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। जी वाकई में यहाँ पर अयोध्या में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती नजर आती है बीजेपी पार्टी, लेकिन अयोध्या से हार जाती है। वही बात फिर से करते हैं नीतीश कुमार की। बिहार में 15 सीटों पर देखिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो जीत कहीं ना कहीं दर्ज करती नजर आ रही है। रुझानों में आगे चलते नजर आ रहे हैं उनके जो प्रत्याशी हैं। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार कितना बड़ा खेल यहाँ पर देश में करते नजर आएंगे। अगला सवाल हमारे सहयोगी दिनेश से लेंगे। दिनेश, क्या स्थिति आप यहाँ पर देखते नजर आते हैं? क्या नीतीश कुमार कामयाब होंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री बनते नजर आएंगे? देखिए, इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो वाकई में दिलचस्प बनी हुई हैं, क्योंकि राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो नीतीश कुमार को शायद उतना सीरियसली नहीं लिया गया था इस लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस भूमिका में अब वो आकर के खड़े हो गए हैं, यहाँ से नीतीश कुमार की तरफ हर किसी की निगाहें हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो प्रधानमंत्री के बड़े दावेदार के तौर पर सामने आएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो यदि इंडिया गठबंधन को छोड़कर के एनडीए में ही शामिल रहते हैं तो यहाँ पर नीतीश कुमार बड़े यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में बने रहेंगे आगे आने वाले वक्त में। और जिस तरीके से दो दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, यहाँ पर अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार को दी जाएगी और केंद्र की सत्ता को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी जरूर हर संभव प्रयास करेगी कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से अपने खेमे में शामिल कर लिया जाए। यदि ऐसा होता हुआ नजर आता है तो बीजेपी को यहां पर सहयोगी दलों से कहीं ना कहीं वो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो पार पाने में कामयाबी हासिल नहीं होगी और नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे सकते हैं। जी वाकई में नीतीश कुमार बड़ा झटका इस समय एनडीए को दे सकते हैं और पूरी तैयारी यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से देखिए कर ली गई है। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया, शरद पवार जो है वो लगातार सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि वो कॉन्टैक्ट में है नीतीश कुमार के और बातचीत चल रही है। वहीं देखिए नीतीश कुमार कहा करते थे जब वो वापस एनडीए में आए कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब ये बातें कितनी सच साबित होंगी, कितनी झूठ, अपना अगला सवाल हम लेना चाहेंगे अबरार हमारे सहयोगी से। अबरार, क्या स्थिति आप देखते हैं? नीतीश कुमार कह रहे थे कि अब हम कहीं पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से स्थिति डगमगा रही है। जिस तरह से रोड शो होता है बिहार के अंदर आपने देखा होगा, उसमें भी बड़े नाराज नजर आते हैं नीतीश कुमार। हाथ में कमल का जो एक उनका सिंबल था बीजेपी पार्टी का, वो थमा दिया जाता है, अपना सिंबल वो छोड़ देते हैं जेडीयू का। नाराज नीतीश कुमार पहले से चल रहे थे, ऐसे में अब उनके पास मौका है, प्रधानमंत्री गद्दी का भी मौका है, हाँ करेंगे या ना? देखिए, नीतीश कुमार कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, वो हमेशा से कहते रहे। मुझे लगता है कि ये जो नतीजे आए हैं ख़ास तौर से कहीं ना कहीं भाजपा को परेशानी में डालने वाले, और यही अब देखिए कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बैठकों का दौर जो है वो जारी हो गया है। नीतीश कुमार के जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है या फिर इस तरीके की जो चर्चाएँ चल रही है, चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो इंडिया गठबंधन की नींव डाली, पूरी तरीके से रणनीति बनाया, फिर उसके बाद अचानक जो है वो एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। तो दरअसल इस वजह से भी और इसके बाद जो बयान दिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा, उन बयानों को भी अगर आप देखें तो उसमें वो कठोरता नजर नहीं आती थी, और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं फिर से एक बार वापसी की जो उम्मीद है वो देखने को मिली है। बड़ा फैक्टर ये है तनुज की 243 सीटें, 44 सीटें जो भाजपा को मिल रही है अकेले अपने दम पर, तो ये बहुमत के आंकड़े को वो टच नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि अगर इस बार सरकार बनती है तो खास तौर पर कहीं ना कहीं कई तरीके का दबाव प्रेशर रहता है। जब आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो कई योजनाओं को पास करने में, कई कानून को जो है लागू करवाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार के पास जो सीटें हैं, जेडीयू के पास जो सीटें हैं, नीतीश कुमार अगर आ भी जाते हैं इस तरफ तो सरकार तो नहीं बनेगी, तो चंद्रबाबू नायडू की भी जरूरत पड़ेगी। ये जो है बिल्कुल कयास आ रहा है या फिर इस तरीके
तरीके का आंकलन जरूर किया जा सकता है। हालांकि एक बयान जो आया जो है जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का, उस बयान के बाद और भी ज़्यादा इसको बल मिलता है, चूंकि जाहिर सी बात है कि खालिद अनवर एक बड़े जो है चेहरे हैं जो है जेडीयू पार्टी के, और उन्होंने ऐसे समय पर जबकि नतीजे आ ही रहे हैं ऐसे समय पर उनका ये बयान देना कि जो है नीतीश कुमार से बेहतर कोई पीएम नहीं हो सकता है, तो आप सोचिए कि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक चुनौती है और भाजपा के लिए चुनौती है। मुझे लगता है कि शरद पवार या फिर इन जैसे तमाम बड़े चेहरे जो है लगातार ये कोशिश में रहेंगे कि किसी भी तरीके के जो है तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के लिए भी तमाम रणनीतियों पर काम किया जाए। लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी आसानी से हार मान लेगी। लेकिन ये फैक्टर बड़ा है कि बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है, और आप सोचिए कि ये चीज़ आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा मात्र आज की नहीं बल्कि ये आने वाले 5 वर्षों तक चलती रहेगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर ये सरकार अब पूरी तरीके से निर्भर हो जाएगी अगर सरकार बन भी जाती है तो। ये उससे आगे की बात मैं बता रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे बड़ी पार्टी बन करके वो उभर रही है, और जो है इंडिया गठबंधन की इस पूरी लड़ाई में आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव का सबसे बड़ा योगदान रहेगा, चूँकि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि वहाँ पर वो सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ वहां पर राज्य में सरकार चला रहे हैं। 10 वर्षों तक उनका सरकार चलने का पूरा कार्यकाल है, क्योंकि दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के भाजपा को जो है चिंतन मंथन करने की जरूरत है, और शुरू भी हो गया है। लखनऊ आवास पर जो है सीएम आवास पर जो बैठक चल रही है, तमाम बड़े नेता प्रदेश के इस वक्त मौजूद हैं, और केंद्र में सत्ता स्थापित करने के लिए भी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। तो आप देखें कि कुछ घंटों में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है, और ये जो है आने वाले जो है आप कह सकते हैं कि सरकार के बनने बिगड़ने का पूरी तरीके से मामला जो है आपको 5, 6, 8, 10 घंटों में जो है वो देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार अगर खेला करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं भारत की राजनीति के लिए एक बड़े जो है परिवर्तन का कारण साबित हो। जी वाकई में यहाँ पर अगर सरकार देखिए बन भी जाती है तो जैसे कि अबरार ने बताया कि निर्भर होना पड़ेगा नीतीश कुमार पर, अब देखते हैं कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार बड़ा खेल करते नजर आएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या फिर एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।